सो हे ऑल, दिस इज विकास शर्मा और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए फेसबुक के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हैं और वो भी प्रॉपर्टी की लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। वही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रॉपर्टी की लीड जनरेट करेंगे, कैसे प्रॉपर्टी की लीड्स को जनरेट किया जाता है, कैसे उसके फेसबुक ऐड बनाए जाते हैं, खासकर उन चीज़ों के लिए जैसे कि आपका हो गया फ्लैट्स का, हो गया आपका प्लॉट का, हो गया आपका लैंड का, हो गया या आपका 2 BHK का, हो गया 1 BHK का, हो गया 3 BHK का, हो गया या विला, हो गया डुप्लेक्स, हो गया, इनके एड्स आप कैसे बना सकते हैं। ये चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे इनके लिए आप लीड ऐड चलाएंगे और कैसे अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे, वो भी फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक एक अच्छा मीडियम है क्योंकि लोग ज्यादा एंगेज रहते हैं। और किस तरह की ऑडियंस को टारगेट किया जाएगा, किस तरह के इंटरेस्ट को टारगेट किया जाएगा, वही सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और उसी पर हम काम करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये वीडियो ऐड बनते हैं और जो लोगों ने भी अभी तक लीड ऐड बनाने नहीं सीखे हैं वो इस वीडियो के थ्रू लीड ऐड बनाना भी सीख सकते हैं। खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एड्स कैसे बनाए जाते हैं उनका बारे में मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो facebook.com/ads-manager ये फेसबुक के एड्स हम यहाँ पर रन करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस में हम जाएंगे, और हम यहाँ पर चेक करेंगे पेमेंट सेटिंग में हमारा बैलेंस, कि हमारे पास बैलेंस है या नहीं है। देखिए, हमारे पास अभी भी 1400 का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए इसके एड्स बना सकते हैं। तो हम वापस जाते हैं ऐड मैनेजर में और देखते हैं कि हमारी और भी अदर कैंपेन्स कितनी चल रही हैं। अगर आपको एड्स बनाना सीखना है तो आपको मैं ऐड बनाना यहाँ पर सिखाऊंगा। अप्रोक्स इस अकाउंट से मैं अभी तक 94,000 रुपीज़ लगा चुका हूँ फेसबुक में। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड कॉल्स आ रही हैं, रिकॉल लिफ्ट हैं, इतने पीपल का है, 5 पॉइंट एस्टिमेटेड रीच आ रही है पर 1000 पर्सन की। और ये हमारे पास अभी तक टोटल बजट कितना का स्पेंड हुआ है, 2000 रुपीज़ हुआ है, अच्छी खासी रीच इन पर आ रही है। तो ये डॉक्टर लाल के हमारे पास ऐड है। इसी तरह से हमने और जगह भी ऐड चला रखे हैं। ओके, तो और जगह भी एड्स रन हो रहे हैं हमारे, डे बाई डे हमारी लीड की कॉस्ट भी आ रही है, पर डे हमारा ये एड अमाउंट भी खर्च हो रहा है। सो नाउ अब हम एक ऐड बनाते हैं जहाँ पर हम क्रिएट अ कैंपेन पर क्लिक करेंगे, और क्रिएट अ कैंपेन पर क्लिक करने के बाद हम आपको आज बनाने वाले हैं लीड ऐड। लीड ऐड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप न्यू नेम कैप्शन में आप डाल सकते हो। तो जैसे मैं अपने क्लाइंट का नाम डालता हूँ खेर डेवलपर, ओके, और ये मैंने लिख दिया KHER खेर DEVELOPER डेवलपर्स, और ये इस तरह से हम उनके लिए डेवलपर्स, तीनों के नाम आप सेम डाल सकते हो या आप ऐड ग्रुप में या ऐड सेट में नाम डिफरेंट भी रख सकते हो, जैसे कि उनके अलग अलग ऐड चलेंगे। तो कैंपेन नेम तो एक हो गया लेकिन उनके ऐड अलग अलग, लेकिन मैंने कॉमन नेम यूज़ किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक स्पेशल ऐड कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का है आपका, या आपका एम्प्लॉयमेंट का है, आपका हाउसिंग का है, आपका सोशल इशूज है। तो देखो, एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज और एड अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, तो प्रॉपर्टी लिस्टिंग से रिलेटेड अगर आपका ऐड है तो आप यहाँ पर ये हाउसिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, कि आपका प्रॉपर्टी लिस्टिंग, आप प्रॉपर्टी को लिस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हाउसिंग में स्पेशली ऐड कैटेगरी आ जाता है। डेली बजट मैंने डाल दिया है, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डेली बजट डाल दिया है अप्रॉक्स मेरा 300 रुपीज़ का, मैं पर डे का बजट लेके चल रहा हूँ, जो काफ़ी कम है, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ कैसे ऐड बनते हैं। यहाँ पर शो अदर ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो रन एड्स ऑल, ये सारे ऑप्शन आते हैं, क्योंकि लीड ऐड है तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कब चलेगा, कभी भी चल सकता है ऐड आपका रात दिन। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड सेट आ जाता है। अब ऐड सेट का नाम भी मैंने पहले डिसाइड कर दिया था। यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शन है हमारे पास, दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें इंस्टेंट कॉल का ऑप्शन ट्राई कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन, यानी कि फॉर्म फिलअप करेगा बंदा उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर ये इससे रिस्पेक्टिव जो उसका पेज होगा उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, तो उस पर आपको एडमिन बनना पड़ेगा। अभी मैं इसमें ऑलरेडी, अगर आप पहली बार इस पर ऐड चला रहे तो आपको एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको व्यू टर्म्स को पढ़ना है और वहाँ पे आई एक्सेप्ट लिख देना है। ये वो टर्म एंड कंडीशन होती है कि लाइक आप लीड जनरेशन का काम कर रहे हो फ्रॉम अदर डिफरेंट मीडिया से, मतलब आप लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें कुछ टर्म एंड पॉलिसीज होती हैं जिसमें
फेसबुक अपने यूज़र को बताता है कि आप जो है आराम से इनकी पॉलिसीज़ को पढ़ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना कि आपका कोई डेटा कोई सेल कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उस चीज़ों को आपको पढ़ के ही आगे बढ़ना है। तो वो टर्म एंड पॉलिसीज होती है, आप कोई एडल्ट ऐड तो नहीं चला रहा है, कंटेनर ऐड तो नहीं चला, मतलब किसी तरह के पॉन ऐड तो नहीं चला रहा है, उन चीज़ों के लिए इसमें टर्म एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। मतलब बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है जिनके लिए काम करता है। देन आपको कैटलॉग, तो कैटलॉग मैंने कोई नहीं बना रखी है, हमें नहीं डालना है। आपका स्टार्ट डेट आज ही से स्टार्ट हो जाए, इतने बज के इतने मिनट पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मुझे आगे का करना पड़ेगा, जैसे 30 मिनट्स, क्यों, क्योंकि 1 बजे कर देते हैं, 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा ये, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ऑलरेडी 12:05 हो रखे हैं, तो 12:05 मतलब धीरे धीरे ऐड बनेगा तो स्टार्ट हो जाएगा। एंड डेट अगर आपको कोई ऑप्शनल रखनी है तो आप रख सकते हैं एंड डेट भी, कि मेरा ऐड इतने दिन बाद बंद हो जाए। अदरवाइज क्योंकि आपने डेली शेड्यूल रखा है तो आप चाहो तो इस ऐड पे क्या कर सकते हो, आप एंड डेट लगा सकते हो। जैसे आज कितनी तारीख है, 23rd, तो आप बोल दीजिए कि 200 रुपीज़ के हिसाब से 300 का 10 दिन का ऐड है, 3000 रुपये लगेंगे। तो मैं बोल देता हूँ कि ये ऐड 25 तारीख तक चले, बस ज़्यादा दिन तक ना चले। तो स्टार्ट डेट, ओ ये अप्रैल है 26, दिस स्टार्ट डेट इज, ओ स्टार्ट डेट में ये लिख रहा है 12, ओके तो हमें लिखना था यहाँ पे 13, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, क्योंकि वो 1 बजे को सुबह का समझ रहा था, इसलिए एरर आ रही थी। नाउ क्रिएट एन ऑडियंस, तो अब आपको एक ऑडियंस क्रिएट करनी है। मैंने ऑलरेडी पहले से एक ऑडियंस बना रखी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इनके लिए बनाई थी एक ऑडियंस, अगर वो ऑडियंस इसमें सेव होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑडियंस कैसे बनी हुई होगी इसमें। मैं देख लेता हूँ अगर मिल जाएगी मेरे को, नहीं मिल रही है तो मैं क्रिएट वन कर देता हूँ, क्रिएट ऑडियंस में सेव, ये ना हमारी ऑडियंस, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मुझे सेलेक्ट करना है। तो ऑडियंस जो हु पीपल आर लिविंग इन और लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन रिसेंटली जो इस लोगों पे आते रहते, तो उन चीज़ों को हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको टारगेट तो करना पड़ेगा, जैसे इनका जो प्रॉपर्टी वो देहरादून में है, तो हमारा मुझे पता है कि देहरादून के जो लोग हैं, तो एक तो हम देहरादून के लोगों को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि लोग देहरादून के लोग भी परचेस करेंगे। सो मैंने ले लिया यहाँ पर देहरादून, तो देहरादून के लोग इसको देखेंगे। मैंने ले लिया है यहाँ पर आपका गुरुग्राम, गुरुग्राम मतलब जो अब गुड़गांव हो गया है ना, गुड़गांव गुरुग्राम। इसके बाद हमने ले लिया है आसपास के एरिया, यमुनानगर, यमुनानगर हरियाणा, इन जगह पर हमने ले लिया क्योंकि यहाँ के लोग भी उत्तराखंड में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आते रहते हैं। साथ ही साथ मैंने ले लिया है यहाँ पर आपका सपोज करो मैंने दिल्ली भी ले लिया, दिल्ली के लोग देहरादून में प्रॉपर्टी लेने में या इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी इंटरेस्टेड रहते हैं। देन उसके बाद मैंने ले लिया है आपका हल्द्वानी का, देहरादून ले लिया हमने, हरिद्वार, हरिद्वार के लोग भी प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश, तो ये लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं। हमारे पास और कौन, देहरादून, दिल्ली, दिल्ली भी ले लिया हमने, गुड़गांव भी ले लिया हमने, हरियाणा भी ले लिया, यमुनानगर, यमुनानगर, यमुनानगर हमने ले लिया। यहाँ पर एक श्रीनगर जगह भी है, श्रीनगर, श्रीनगर उत्तराखंड, तो ये मैंने ले लिया। ध्यान देखिए आपको अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे सेलेक्ट करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो आप इस तरह से आपके पूरी ऑडियंस देखो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गई जिन जिन एरिया में मैंने टारगेट किया हुआ है इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, फिर आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होते हैं। अब देखिए कोई फ्लैट ले रहा है तो ऑब्वियस ही बात है बंदा जो है मिनिमम से मिनिमम देखिए ये 18 से स्टार्ट होगा, आपका मेन क्राइटेरिया स्टार्ट हो गया 18 से। और यहाँ पर देखिए तो 18 ऐड में जब हम स्पेशल कैटेगरी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है ऑडियंस जो है वो हम 18 से नीचे या ऊपर सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशल ऐड कैटेगरी है तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग ही इसको दिखाता है। तो या तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्पेशल ऐड कैटेगरी आज हटा देता हूँ क्योंकि मैं AB टेस्टिंग के लिए इसको दूसरा बना दूंगा। मैं यहाँ से इसको हाउसिंग कैटेगरी से हटा करके नॉर्मल कर देता हूँ क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि फिर मैं डायनामिक मतलब अपने एड्स को क्रिएट कर पाऊंगा। तो मैं एक बार बैक चले जाता हूं, ठीक है, और यहां से इसको इसको डन कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए कोई भी कैटेगरी। और ये मैं दोबारा से वापस आ जाता हूं, ओके, तो मैंने ये लोकेशन ली हुई है, नाउ आई कैन चेंज इट। तो मैं यहाँ पर मिनिमम जो ऐड चलेगा वो कम से कम मैं जो ऐड दिखाऊंगा वो 30 के प्लस को दिखाऊंगा और मिनिमम जो दिखाऊंगा वो 55 से ज़्यादा का नहीं दिखाऊंगा। इन्हीं लोगों को मैं ऐड दिखाऊंगा क्योंकि ये लोग ही ऐड 55 भी मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं 50 तक ही दिखाऊँ क्योंकि 50 साल के बाद फिर आदमी प्लान लेट करता है अपना घर वर लेने की
और मैं ये जो घर के एड्स हैं ये मैंस को वुमेंस को हर किसी को दिख सकते हैं, लेकिन मैं एज ज़्यादातर एड जो सोच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैंस को टारगेट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंस को ही नज़र आए। अब डेमोग्राफिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे ब्राउज आ गया, तो डेमोग्राफिक्स मुझे देखना है, तो डेमोग्राफिक्स में एजुकेशन लेवल अगर आपको चाहिए तो एजुकेशन लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल में आप जा सकते हो, इनकम में आप जा सकते हो, तो ये US के अकॉर्डिंग है, इसको हम नहीं ले सकते। आपका लाइफ पार्टनर में आप देख सकते हो कि आपका न्यू जॉब है, रिलेशनशिप में है, किस में है, इन लोगों को आप ऐड टारगेट कर सकते हो, आप पार्टनर में जा सकते हो, राइट है ना, इसी तरह से आप इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक्स में देखना होगा कि डेमोग्राफिक्स में आप किस किस को टारगेट कर रहे हो, तो एजुकेशन लेवल जिनका अच्छा होगा, जिनके पास मास्टर डिग्री है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, घर तो देखिए हर कोई ले सकता है, तो इसलिए कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियली हम देख सकते हैं, इनकम का देख सकते हैं, रिलेशनशिप का देख सकते हैं, वर्क, तो वर्क में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर को देख सकते हैं, एम्प्लॉयर में जैसे हम लिख देंगे सच, सपोज करो बैंक, तो हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे बैंक, तो बैंक नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ऊपर ही टाइप कर लेता हूँ BANK, तो बैंक जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर बैंक टाइप करके कि बैंक सजेशन नहीं दे रहा है ये, एक सेकेंड ना, BANK, ये देखिए धीरे धीरे सजेशन आ रहे हैं, तो जिनका जो बैंक टाइटल में जो जॉब आएगा तो बैंक में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बैंक टेलर पीपल हु आर लिस्टेड इन एम्प्लॉयर्स अ बैंक टेलर ऑन देयर फेसबुक प्रोफाइल, नहीं ICICI बैंक में इंटरेस्ट वाले पे नहीं जाना है, मुझे इंटरेस्ट में नहीं जाना है, मुझे जाना है जो वहाँ पर है पंजाब नेशनल बैंक में जो एम्प्लॉय है, तो उनको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज होते हैं तो वो अपने लिए फ्लैट के लिए इन्वेस्टमेंट देखते हैं, क्योंकि इनको लोन अमाउंट भी सस्ता पड़ता है घर का लोन, तो इनको हम इसको ऐड को दिखाएंगे जो इस एरिया में बैंक एम्प्लॉय होंगे। उसके बाद हम देखेंगे BANK बैंक, दोबारा मैं सर्च कर रहा हूँ, तो आप एक बार धीरे धीरे लिखें ताकि वो सर्च रिजल्ट आपको दे पाए। फिर से हम जाते हैं सिटी बैंक में, इंटरेस्ट नहीं है जिसमें हमारा एम्प्लॉय हो, स्टेट बैंक एम्प्लॉय, ठीक है, इसी तरह से मैं सेलेक्ट कर लूँगा BANK, जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ बेसिकली। अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट के बैंक हो गए, बैंक नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट, ये तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो एम्प्लॉय जो दिखाएगा उसी का हम रखेंगे यहाँ पर। तो ये गूगल ने मेरे को डेटा, ये सॉरी फेसबुक ने मुझे डेटा दिया है, तो वो जो बैंकिंग एम्प्लॉय हैं तो बैंक एम्प्लॉय भी लिख सकता हूँ, EMP, ये देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्लोबल, ये देखो डेमोग्राफिक्स मैंने ले लिया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी फ्लैट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके। इसी के साथ साथ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम किसको ऐड दिखा सकते हैं, जैसे कि PROPERTY, प्रॉपर्टी डीलर, इससे क्या होगा कि हमारी हो सकता है रीच बढ़ेगी हमारी, तो प्रॉपर्टी डीलर मैंने लिखा है डी प्रॉपर्टी, देखिए तो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर देखिए मैं अलग अलग तरीके से पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल इंश्योरेंस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसे करके आप डी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डीलर्स को आप दिखाना चाहते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, ये फ्रेंड्स बर्थडे हो बर्थडे इन अ मंथ इनको दिखना चाहिए, ये क्या है ना, अपेल लैंडेड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लो प्रॉपर्टी डैमेज, तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये हमारे पास ये नहीं मिल रहा, रियल इस्टेट डेवलपमेंट ये भी हम लेंगे, तो हम ले सकते हैं बैंक एम्प्लॉयज़ के बाद हो सकता है जैसे कि आर्मी ऑफिसर होते हैं ARMY आर्मी जॉब मैं लिख रहा हूँ, आर्मी जॉब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि बंदा जो हो जॉब में हो आर्मी से रिलेटेड हो, तो आर्मी बैकग्राउंड के लोग भी क्या करते हैं इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड नहीं लेना, मुझे ध्यान देना आपको, वो श्रीलंका आर्मी नहीं, ये देखिए इसमें ये नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा INDIAN इंडियन आर्मी, तो AGPAI इंडियन आर्मी में हो जॉब टाइटल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए इंडियन आर्मी में एम्प्लॉय होना चाहिए, तो इंडियन आर्मी में वो क्या है एम्प्लॉय है, देखो मैंने ये वाला भी ले लिया है। इसी तरह से मैं लिखता हूँ इंडियन एयरफोर्स AIRFORCE, तो इंडियन एयरफोर्स वालों को भी मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, तो जिसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो इंडियन एयरफोर्स में हो एटलीस्ट, तो
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मैंने ले लिए हैं, और क्या ले दिया है मैंने, इसमें ये आ गया। और किसको टारगेट कर सकते हैं हम कर सकते हैं बिजनेस ओनर्स, जिनका बिजनेस होता है बिजनेस OW, बिजनेस ओनर जिनका बिहेवियर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स बिहेवियर में आ जाएगा, और एम्प्लॉय में आ जाएगा माई ऑन बिजनेस इंस्टीट्यूट जॉब टाइटल में, डेमोग्राफिक्स में बिजनेस एंड फाइनेंस डेमोग्राफिक्स में हो, है ना। तो इस तरह से मैं अपनी ऑडियंस को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो बिजनेस हम इसमें देखो पीपल हो रोल्स बिजनेस एंड फाइनेंस एग्जाम, अकाउंटेंट मैनेजर ऑडिटर सेल्स मैनेजर एडवाइज़र चीफ फाइनेंशियल, तो ये बिजनेस एंड फाइनेंस वालों को भी मैंने इसमें ले लिया है, क्योंकि ये लोग भी प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो बिजनेस को मैं दोबारा लेता हूँ, जैसे कि ऑनर्स होते हैं बिजनेस ऑनर होते हैं, देखो स्मॉल, ये इंटरेस्ट नहीं लेना है हमें, हमें लेना है इंटरेस्ट मैं तब लेता हूँ जब मुझे कुछ बेचना है, मतलब कि वो मुझे अपना प्रोडक्ट बिकवाना है, मतलब आप समझ रहे हैं मेरा प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी को कौन लेगा, जिसका इंटरेस्ट, जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होगा, बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मैं उसे सर्विसेज बेचूंगा कुछ, जैसे कि आप ये सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, आप ये चीज़ खरीद लीजिए जो आपके बिजनेस को इंक्रीज करेंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन अभी हमें प्रॉपर्टी बेचनी है, तो प्रॉपर्टी में वो बंदा वो होना चाहिए जिसके पास पैसा हो, वही आप सोचिए 20 से 25 लाख रुपए का फ्लैट आएगा तो वो इतना आसानी से थोड़ी ना कभी खरीद सकता है। तो जिसका वो बिहेव होगा, मतलब या तो ऑनर हो या फिर उसका डेमोग्राफिक्स वैसा, तो उनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। बिजनेस पेज एडमिन को नहीं हम ले सकते, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स ये बिहेवियर है देखो। तो पीपल हु लिस्ट देमसेल्फ, मतलब जो कहता है कि मैं क्या हूँ, बिजनेस ऑनर हूँ, तो उसको भी मैं सेलेक्ट यहाँ पर कर लूँगा। तो मैं इसमें कुछ बैंक के एम्प्लॉय ले लिए हैं, कुछ ये ले लिए हैं, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ CEO, कुछ CEO होते हैं तो CEO देख लेते हैं, CEO नहीं आ रहा है सजेशन में, सी हम लिख सकते हैं बिजनेस ओनर्स OWNERS ओनर्स, तो शॉप ओनर बिजनेस ऑनर इंटरेस्ट नहीं, तो शिप ओनर्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंजीनियर ऑनर्स कंसल्टेंसी इंजीनियर फार्म ऑनर डांस स्टूडियो ऑनर्स लैंड ऑनर्स स्मॉल बिजनेस ऑनर्स, देखिए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल बिजनेस ऑनर्स ऐसे होम ऑनरशिप ओनरशिप, इस तरह से मुझे अपने ऑडियंस को ढूंढना पड़ता है। स्मॉल बिजनेस ऑनर्स ये इंटरेस्ट है इसका, ये तो नहीं हम ले सकते स्मॉल बिजनेस ऑनर, देखो हम क्यों नहीं ले रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा पीपल हु एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट बेस रिलेटेड स्मॉल बिजनेस, तो वो जैसे स्मॉल बिजनेस में इंटरेस्ट उठता है उनको नहीं मिलेंगे। अब मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ, कोचिंग INSTI कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग बिजनेस कोचिंग बिजनेस कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं चाहना चाह रहा था कि अगर वो कोई कोच है या फिर वो किसी तरह से ऑनर है, OWN अगर उसका ऑनरशिप है कहीं पे कोचिंग से रिलेटेड, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो मिल जाए हमको, है ना, OWNERS ओनर्स, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। हम इसमें कर सकते हैं BUSINESS बिजनेस बिजनेस डेमोग्राफ, इंटरेस्ट नहीं हमें लेना, हमें लेना है डेमोग्राफिक से बिहेवियर में, बिजनेस पेज एडमिन, तो एडमिन हु पेज ऑन एडमिन, तो उसमें तो नहीं हमें जाना चाहिए, बिजनेस पेज पे अगर कोई एडमिन है इसको भी हम ले सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये मेरा बिजनेस हो गया, बिहेवियर हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ जैसे कि कोई ट्रेनर है, ट्रेनर्स ट्रेनर्स थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं, है ना, तो ट्रेनर्स में देखो पर्सनल ट्रेनर हाउस ट्रेनर ट्रेनर ये एथलीट ट्रेनर ये ट्रेनर वो ट्रेनर, इस तरह के जो ट्रेनर्स होते हैं या स्पोर्ट्स में जो होते हैं उनको भी अच्छा खासा, मतलब जो स्पोर्ट्स में अच्छा खासा अचीव करके रखते हैं, वो भी यू नो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से फ्लैट्स खरीदते भी हैं और बेचने के लिए भी खरीदते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट का काफ़ी सारे तरीके हैं। नेशनल एथलीट ट्रेनर एसोसिएशन इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट में नहीं हमें जाना है, हमें जाना है सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर में। तो देखते हैं लेट्स सी इस ऑडियंस पे हमें क्या क्या मिल सकता है, लेट्स सी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रीच द पीपल डिटेल एंड लाइकली टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, देखो ये ऑप्शन मैं इनेबल नहीं करूंगा क्योंकि ये कह रहा है कि रीच द पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, वो कह रहा है कि अगर आपकी इससे ऊपर जाना चाहता तो इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस के लिए, अभी मैं इसे ऑप्शन को ओके नहीं करना चाह रहा हूँ, ऑटोमेटिक हमारी प्लेसमेंट्स आनी चाहिए, सारा वैसा ही रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो यहाँ पर देखो हमारे पास वो पेज, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको पेज की, यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी देखो इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा कनेक्टेड नहीं है इससे, तो ये हमारा पेज है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पोस्टें सेलेक्ट हो रही हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और ऐड मीडिया में जाएंगे, ऐड इमेजेस में जाएंगे। मैंने एक ऑलरेडी एक इमेज
मंगाई थी उस इमेज को मैं दोबारा से पोस्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड कर दी है। अगर आपको ऐड कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे ऐड मीडिया में जाएंगे, ऐड इमेजेस में जाएंगे। देखिए ऑलरेडी मैंने इमेज यहाँ पर डाल रखी है, ये इमेज हमारे पास यहाँ पर आ गई है, ये इसका प्रीव्यू आएगा। ये मैंने यहाँ पर इसे देख लिया है। अब ये देखिए मेरा प्राइमरी टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 BHK है ना, और कॉमा 2 BHK है ना फ्लैट, ठीक है, ये मैंने ऐड डाल दिया। एंड ETC भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास अगर और भी होंगे तो कंपनी के पास वो भेज सकता है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राइमरी टेक्स्ट है क्योंकि आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिख सकता है START स्टार्टिंग PRICE प्राइस, हमने लिख दिया 32 लैक्स, ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस इतना से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 BHK फ्लैट्स का था तो 1 BHK भी मैंने लिख दिया। हेडलाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेडलाइन बाय योर ड्रीम हाउस इन देहरादून, ये सेम लाइन मैंने यहाँ पे भी लिख दिए ताकि जब लोग ऐड देखें तो बाय योर ड्रीम हाउस इन देहरादून लिखा आ जाए, ठीक है, बिजी नहीं, बाय योर ड्रीम हाउस इन देहरादून, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर देहरादून की स्पेलिंग में हमने ये भी ठीक कर दिया है डी। नाउ आप देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन है, तो ऐड ऑप्शन, अगर आपको कुछ और डालने तो आप हेडलाइन और भी बदल सकते हो, जैसे कि START स्टार्टिंग PRICE प्राइस 2 BHK, ऐसे लिख सकते हैं हम 2 BHK, क्या लिख सकते हैं 32 लैक्स, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, तो वो भी हेडलाइन में वहाँ पर नज़र आएगा जब ऐसी हेडलाइंस आएंगी। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, आपको लिखना नहीं लिखना है। डिस्प्ले लिंक अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ KHER खेर DEVE डेवलपर्स, तो जैसे इनकी वेबसाइट नहीं है तो हमने इनकी वेबसाइट का डेटा जो है अपनी वेबसाइट पर हमने एड्रेस ग्रुप पर भी लिस्ट किया हुआ है। आपकी इनकी अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमने इनका अगर लिस्टिंग जो है एड्रेस ग्रुप पर भी की हुई है, एड्रेस गुरु, तो वहाँ पर भी इनका नंबर वगैरह अवेलेबल है। ये देखिए खैर डेवलपर्स, तो यहाँ पर भी इनका काफ़ी सारा मैटर जो है, इनकी फ़ोटो वोटो इन्होंने डाल रखी होगी, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा इनका नंबर। तो अगर इन केस आपको ट्रैफिक भी भेजना है तो आप ट्रैफिक भी यहाँ पर भेज सकते हैं। साइनअप की जगह यहाँ पर आप अप्लाई नाउ, बुक नाउ है ना, डाउनलोड नाउ, गेट ऑफ़र, गेट कोट्स है ना, तो गेट ऑफ़र चाहिए आपको या कोट्स चाहिए, तो कोट्स जैसा वर्ड होता है कि कोटेशन दे दो तो गेट कोट्स करके बता सकता है, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। गेट ऑफ़र, ऑफ़र चाहिए कोई तो ऑफ़र के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया गेट ऑफ़र। अब इंस्टेंट फॉर्म की बारी आ गई है, तो इंस्टेंट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि इंस्टेंट फॉर्म कैसे आप सबमिट करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। इंस्टेंट फॉर्म के लिए आपको एक नया टाइटल ऐड बनाना पड़ेगा। देखो मैंने ऑलरेडी एक ऐड बना रखा है, अगर आप चाहो तो एक नया फॉर्म भी बना सकते हैं। कैसे फॉर्म बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं इसमें लिखूँगा खै DEVLOPER डेवलपर फॉर्म 2, नाम लिख देंगे फॉर्म का, जैसे फॉर्म नाम होता है। आपको मोर वॉल्यूम चाहिए या हाई इंटेंट। हाई इंटेंट में क्या होता है कि स्क्रॉल डाउन आता है, और मोर वॉल्यूम में बस आप सबमिट करोगे और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इंट्रो में हम जाएंगे, अगर आपको कोई फ़ोटो लगानी है तो आप फ़ोटो लगा सकते हो, वैसे ऑलरेडी एक फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई फ़ोटो लगानी है फॉर एग्जांपल के लिए ये वाली, तो देखो ये फ़ोटो भी वहाँ पर बैकग्राउंड में नज़र आएगी। तो जो ऑलरेडी मैंने पहले लगाई थी वही हमने दोबारा लगा दी है। अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हो तो फ्लैट से रिलेटेड आप कोई फ़ोटो ले सकते हो, जैसे खैर खेर डेवलपर में लिखता हूँ देहरादून, तो जैसे मैंने ये लिखा है, तो आप अगर कोई और अच्छी फ़ोटो लगाना चाहते हो खैर डेवलपर के नाम से, तो देखो यहाँ पे विला एंड स्पॉट्स एंड सेल के लिए है, तो यहाँ पर इनके जैसे इनके काफ़ी सारे मैप वैप बने रहते हैं, तो इनकी फ़ोटोज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इनकी ये फ़ोटो दिखा रहे हैं कि ये वाली फ़ोटो यूज़ कर सकते हो, पर ये किसी और साइट पे लगाई गई है तो हमें पता नहीं है कि ये फ़ोटो कितनी जेन्युइन होंगी और कितनी नहीं होंगी। तो फ़ोटोज़ आपको वैसे ही लगानी होती है जो आपको चाहिए होती है, चाहे आप इनके बिज़नेस पेज से फ़ोटो ले सकते हो, क्योंकि आप इनके बिज़नेस पेज पर जा रहे हो तो काम कर रहे हो, तो आप यहाँ से भी फ़ोटो ले सकते हो, एक ये फ़ोटो ले सकते हो आप किचन की। तो ये मैंने फ़ोटो इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने इसका ले लिया है। ध्यान रखिए फ़ोटो जितनी क्लीन और अच्छी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। ये फ़ोटो थोड़ा सा, ये फ़ोटो भी काफ़ी सही लग रही है, इतना एरिया मैं देखता हूँ, अगर ये सही चल गई तो इसको भी लगा के देखते हैं। तो चेंज करनी ज़रूरी है, फ़ोटोज़ बहुत सही होनी चाहिए आपके उस पर। तो लेट्स सी चेंज करके देखते हैं फिर से ग्राफ। तो फ़ोटोज़ के लिए उसने पहले भी बता दिया कि हमें इतना साइज़ एटलीस्ट चाहिए, तो देखते हैं अगर ये फ़ोटोज़ यहाँ पर लग गई पिक्सल्स, तो देखते हैं।
नहीं लगेगी तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। तो ये थोड़ा उतना अच्छी नहीं लग रही है, हम दूसरी ट्राई करते हैं दिस वन। तो इसको देखते हैं ये कैसी लगेगी यहाँ पर। तो क्योंकि फ़ोटोज़ ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें पीछे रूम नज़र आए, बैकग्राउंड नज़र आए, है ना, ऐसे करके नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पर हेडलाइन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फिल दी फॉर्म गेट बेस्ट ऑफर फॉर 2 BHK फ्लैट, है ना, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। और भी क्रिएटिव लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहो तो फिल दिस फॉर्म करके, है ना, और बाय योर ड्रीम हाउस ऐसे भी लिख सकते हो ना। और गेट, तो मैंने लिख दिया फिल द फॉर्म टू गेट बेस्ट ऑफर, तो क्योंकि अगर बंदा आएगा तो वो देखेगा कि अच्छा बेस्ट ऑफर के लिए आप भर सकते हैं और ऑफर और डिस्काउंट, ऑफर और डिस्काउंट ऐसे भी लिख दिया मैंने, क्योंकि हमने प्राइस तो पहले बताया लेकिन डिस्काउंट के लिए अगर आपको करना है तो आप भर सकते हो। आपको अगर एडिशनली कुछ और लिखना है वो लिखना है तो लिख सकते हैं आप फॉर्म। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना फॉर्म भरेंगे। हाँ, तो क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप अपने लिए सिटी, फ़ोन नंबर, अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप कॉन्टैक्ट फील्ड में से ले सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, प्रोमिनेंस, प्रॉपर कोड, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेमोग्राफिक्स चाहिए। सो देखिए हम यहाँ पर थे, ये मैंने ऐड बनाया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था कि हम किस किस क्वेश्चंस को ले सकते हैं, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है। आप ऊपर बैकग्राउंड का इमेज भी चेंज कर सकते हैं, आप उसमें पूरा मैटर लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर ऑल सेट, मैंने नंबर भी लिख दिया है यहाँ पर अपना। तो ये पूरा एक फॉर्म होता है जिसे आप भर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आ गया है, डिस्क्लेमर का लिंक आपने डाल दिया है, यहाँ पर आप थैंक्स फॉर ऑल सेट। तो ये देखिए वो प्रीव्यूज़ हैं जिसके थ्रू आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर आपने ये भी लिख दिया। देखिए ये फॉर्म की वैल्यूज़ होती हैं जो आपको यहाँ पर लिखनी होती है, जब आप क्वेश्चन इंट्रो को ऐड करते हैं तो देखो ये लिखा ना, गेट द फ्लोर द वाटर सप्लाई नियर टू मार्केट, है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडी टू मूव, रेडी टू मूव ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें देखने से क्या होता है कि बंदा जब ऐड को देखेगा तो उसको ये ऐड को नज़र आएगा, तो ये भी आप चीज़ें लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पर ये चीज़ें भर दी हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आप लगा दीजिए, देखिए मैंने खेड डेवलपर का लिंक दे दिया है। साथ ही साथ जब कंप्लीट होगा तो मैंने उसको बता दिया कि आप हमारी इस वेबसाइट पर चले जाएँ, और विजिट वेबसाइट पर नंबर भी लिख दिया है कि कॉल फॉर इंस्टेंट नंबर, ये मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया है। देन मैं पब्लिश के बटन पर क्लिक करूँगा और लेट सी कि हमारे पास कोई इशू तो ना रहे, हमारे पास कोई इशू नहीं रहनी चाहिए वेरीफाइंग योर चेंजेस, एंड देन हम पब्लिश के बटन पे फिर से क्लिक करते हैं। तो पब्लिश के बटन पे हम क्लिक करेंगे और ये देखेगा कि कहाँ पर कोई अगर गड़बड़ आ रही है तो ये हमें बताएगा कि यहाँ पर अभी भी एरर है। तो वो कह रहा है कि ये रेडियस यू शुड सेलेक्टेड विद इन अ स्पेसिफिक आई वॉन्ट, तो ये कुछ एक एरर बता रहा है, देखते हैं भी अगर आगे ले जाता है पब्लिश करता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस एरर को भी फिक्स करेंगे अभी। तो चेंजेस वॉरंट पब्लिश बिकॉज आपने के कुछ इशू हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या इशू है। इसमें जाते हैं वापस खेड डेवलपर में और ये हमारी ऑडियंस सेलेक्ट हो रखी है, 30 से 50 ऑडियंस है। ये कह रहा है टारगेट लोकेशन कांट बी यूज ज्योग्राफिकल रेडियस सेलेक्टेड विद इन द, तो कोई एक लोकेशन जो है वो इसमें इसको कुछ कह रही है कि हम ऐसा नहीं कर सकते स्पेसिफिक बॉन्ड। तो हम क्या करते हैं इसको हटा के देखते हैं और देखते हैं कि हम दोबारा से कोई लोकेशन में कोई ये पंगा बता रहा है कुछ, तो हम दोबारा से लोकेशन को ऐड करके देखते हैं कि कहीं कोई गलत लोकेशन तो नहीं ऐड हुई है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कुछ गलती से ऐड हो जाता है तो लोकेशन का कुछ इशू आ जाता है। तो हम सारी लोकेशन को एक बार फिर से रिमूव करके दोबारा से ऐड कर देते हैं क्योंकि ये कुछ इशूज़ बता रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे देहरादून, तो देहरादून जैसे लिखेंगे देहरादून उत्तराखंड में 40 किलोमीटर्स में आ जाए, आपका हमने लिख दिया YAMUN यमुना नगर हरियाणा हमने ले लिया है, हमने यहाँ पे दिल्ली भी ले लिया है दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद हमने ले लिया है गुरुग्राम मतलब जिसको पहले गुड़गांव बोलते थे, मैं दोबारा से सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। इसके बाद हमने हरिद्वार ले लिया है, हरिद्वार, ठीक है। और इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं आपका देहरादून हो गया पूरा, मशहूरी भी हो गया, हरिद्वार हो गया, दिल्ली हो गया, यमुना नगर हो गया, गुड़गांव भी हो गया। इसके आसपास के एरिया में हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ से अगर हमें लीड्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लीड आ गई है, देन हम पब्लिश का फिर से बटन दबाते हैं, देखते हैं अब कोई एरर तो नहीं रह गई है। अगर इनकेस कोई एरर रहती है तो हम उसको फिर से रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐड बन रहा है तो ऐड बनने में कुछ ना कुछ एरर्स अगर सिस्टम हमें बताता है तो हम उस एरर को ठीक कर सकते हैं। देखिए अगर आप समझ सकते हैं, फाइनली हमारा जो है डेटा सबमिट हो गया है, व्यू डिटेल्स में हम जाके देख सकते हैं, ये देखो कम्प्लीट हो गया है। अब ये कैंपेन्स कहाँ शो होंगी, देखिए यहाँ पर ये आ गई है कैंपेन, अगर आपको दिख रही होगी
ये आप देखिए यहाँ पर ये कैंपेन आ चुकी है, किसके नाम से आ गई है ये देखिए। तो जो भी कैंपेन हम चलाएंगे वो कैंपेन हमारे पास इन रिव्यू में आ जाएगी, और इस रिव्यू को चला करके हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारे पास कैंपेन्स आ जाए। तो जैसे ही हमारे पास कैंपेन शो होगी हमारे पास कैंपेन आ जाएगी, और ये देखिए कैंपेन शेड्यूल हो चुकी है। और ये देखो 1300 का पर डे का बजट है, 7 डेज़ के लिखा है। ये देखिए व्यू चार्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चार्ट है ये। आप देखेंगे जैसे डेटा आएगा तो यहाँ पैसे खर्च होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे यहाँ पर ऐड चलेगा आप ऐड को भी देख सकते हैं। देखो ये ऐड हमारा ऐसा दिखेगा लोगों को, खेड डेवलपर्स ये बाय योर ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस इन देहरादून, ये मैंने लिख दिया है। इस तरह से ये लोगों को नज़र आएगा, इस तरह से सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप में ऐसा नज़र आएगा। अगर आप इसके सारे वेरिएंट देखना चाहते हैं कि कैसा ये नज़र आएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ पर नज़र आएगा। ये इस तरह से नज़र आएगा, ये देखिए वीडियो में इस तरह से दिखा देगा, यानी स्ट्रीम वीडियो में। तो इसने ऑटोमेटिकली एक ऐसा स्ट्रीम वीडियो बना के दिखा दे ताकि लोगों को लगेगा कि ये वीडियो है कोई, तो ऐसे ही यहाँ पर नज़र आएगा। हेडलाइंस मैंने आपको दिखा दी हैं। देखो अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग प्राइस भी 2 BHK 32 लाख, तो देखो ये वाली हेडलाइन आपकी दिखेगी। अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हो तो ऐसे, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाएगा। टैम्पलेट 1, टैम्पलेट 2, टैम्पलेट 3, ये सब इसके टैम्पलेट्स हैं, जस्ट प्रीव्यू के लिए हैं। आपको देखना है अगर कुछ तो ये इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। नाउ हमारे पास अब ऐड आ गया। अब हो सकता है कि ये थोड़ी देर में ही ऐड अप्रूव हो जाएगा, और जैसे शेड्यूल होगा ऐड चलने लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन ये वीडियो बहुत काम की है, और अगर आप इसे चला सीख सकते हो, आप इसे कर सकते हो, तो आपको बहुत सही तरीके से आप आगे जा पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको और तरह के ऐड्स बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक में अच्छे ऐड बना सकते हैं। बहुत सिंपल होता है ऐड बनाना, कोई ऐसा नहीं, लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज जो है आपको वैसी होनी चाहिए, मतलब लाइव प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए कि ऑडियंस का बिहेवियर कैसा होता है, कैसे ऑडियंस बिहेव करती है, क्या सोचती है। अगर मैं प्रॉपर्टी के ऐड बेच रहा हूँ तो कैसे सोचते हैं, तो बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।